पढ़ रहे हैं। केवल नूह में नहीं, हरियाणा के बाकी शहरों में भी जहां जलाभिषेक मंदिरों में होना है, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती हो रही है। इससे आधी भी अगर उस दिन होती जिस दिन यात्रा थी तो हिंसा नहीं होती। मुझे ये भी आश्चर्य है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो यात्रा करने वाले लोग थे वो तो शांत थे, वो बिना हथियारों के थे, उनमें बूढ़े और महिलाएं भी थीं। उनको कहा जा रहा है कि तुम यात्रा मत करो। ये तो एक तरह से यात्रा पर हमला करने वालों को प्रोत्साहन देना है। हमको मालूम है कि G20 है, हमको मालूम है कि वह संवेदनशील क्षेत्र है, और इसलिए हमने भी तय किया है कि प्रशासन के लिए समस्या खड़ी नहीं करेंगे। हमने यात्रा की संख्या कम की है, कम संख्या में निश्चित लोग इस यात्रा के लिए जा रहे हैं। हम आशा करेंगे कि सरकार इसमें बाधा नहीं बनेगी, और अगर सरकार बाधा बनेगी तो भी हम अपने संकल्प को पूरा करने का मार्ग निकालेंगे। हमें नहीं मालूम कि इजाजत देंगे कि नहीं देंगे। अगर रोकेंगे तो वहां रुक जाएंगे, जब तक रोकेंगे रुकेंगे, जब रोक हटेगी तो आगे बढ़ेंगे। यात्रा को छोड़ेंगे नहीं, यात्रा को अधूरा नहीं करेंगे। ओवैसी का अभ्यास है कि इस तरह के सवाल खड़े करना। हमारी शांतिपूर्ण यात्रा है, जलाभिषेक की यात्रा है, विश्व के मंगल की यात्रा है, देश में सुख और शांति की यात्रा है, और इसलिए इसमें कोई भी दूसरा मोटिव नहीं है।